23 जनवरी 2020 लेटेस्ट न्यूज़। उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया को FDR की मैच्योरिटी राशि सहित ब्याज भुगतान देने का आदेश। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा इंडिया की पल पल की खबर आप तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, ऐसी खबर फिर हमारे पास 3 घंटे पहले आई है। ये नई दुनिया अखबार से आई है। पूरी खबर क्या आई है जानते हैं। आपको न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि पूरा मामला क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त सहारा इंडिया का अगर सहारा कोई है निवेशकों का, तो केवल उपभोक्ता फोरम है, ना कि सेबी सरकार या सेबी विभाग, और ना ही सहारा सुब्रत राय के बेसहारा किए निवेशकों का सहारा बना उपभोक्ता फोरम। आज की बड़ी खबर शिवपुरी नई दुनिया प्रतिनिधि से है। जिला उपभोक्ता फोरम ने न्यायाधीश गौरी शंकर दुबे एवं राजीव कृष्ण शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए सहारा इंडिया को 4 FDR मैच्योरिटी राशि के भुगतान के आदेश दिए। मैच्योरिटी दिनांक आज तक का 7% ब्याज भुगतान किए जाने के आदेश दिए गए हैं। आवेदक को 1 माह के भीतर 1500 रुपये प्रतिवाद वह अदा करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवादी की ओर से मामले की पैरवी अभिभाषक अजय जैन ने की साल 2008 में सहारा निर्माण बॉन्ड में की थी FDR। मामले की पैरवी करने वाले अभिभाषक अजय कुमार ने बताया कि अभिनंदन जैन पुत्र भैयालाल जैन निवासी महल कॉलोनी ने 27 तारीख 12वां महीना 2008 को सहारा निर्माण बॉन्ड में 15,446 रुपये एवं 7,728 रुपये की FDR जमा की थी। वहीं 2012 में सहारा क्यूसॉप प्लान के तहत 15,220 रुपये की 2 FDR राशि जमा की थी। लेकिन FDR पूर्ण होने पर जब शाखा प्रबंधक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खनिया धाना के कार्यालय में संपर्क किया गया तो उन्होंने एजेंट से संपर्क करने की बात कही, लेकिन एजेंट ने FDR को 5 साल के लिए फिर रिन्यू करा दिया। लेकिन FDR की फिर से म्याद पूरी होने के बाद भी आवेदक को राशि भुगतान नहीं किया गया। इस पर उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पेश किया। न्यायाधीश ने 1 माह के भीतर उक्त राशि आवेदन के ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिए। दोस्तों, मामला बहुत पेचीदा है। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि एक बार FDR की राशि पूरी होने के बाद फिर उसको दोबारा रिन्यू करा गया, और दोबारा जब राशि पूरी हो गई तो फिर उस पर तीसरी बार जोर दिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मामला उसने न्याय की सरंडी और अपना पैसा लेने के लिए उपभोक्ता फोरम में अर्जी लगाई, जिससे ये मामला सामने आया। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि इस वक्त सहारा इंडिया की ब्रांचों पर जो घमासान चल रही है, सुब्रत राय के बताए गए नए नए टिप्स वहाँ पर एजेंटों को बताए जा रहे हैं, और एजेंट निवेशकों के पैसे डबल ट्रिपल रिन्यू करा रहे हैं। दोस्तों, जो 2008 में मैच्योरिटी पूरी हुई उसको फिर 2008 से 5 साल के लिए फिक्स कर दिया गया, और जब ये फिर पूरी हुई तो उसको फिर तीसरी बार रिन्यू कराने का मतलब कन्वर्ट करने के नए नए फार्मूले बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है, और सहारा की सारी पोल पट्टी हम आपके सामने खोल कर रखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन